इधर हजारीबाग में फर्जी सीबीआई के व्हाट्सएप कॉल से हड़कंप बचा हुआ है, जहां पर बीती रात हजारीबाग के राजद नेता अर्जुन यादव और भाजपा नेता बटेश्वर मेहता को फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर व्हाट्सएप कॉल कर धमकाया गया है। पूरे मामले की जानकारी दे रहे सहयोगी सुबोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। झारखंड में ईडी सीबीआई की दबिश लगातार देखी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही फर्जी सीबीआई का लगातार दबाव बढ़ता दिख रहा है। मैं हजारीबाग के ताज़ा हाल बता रहा हूं आपको, जहां पर फर्जी सीबीआई बनकर लोगों को फ़ोन कर डरा धमका रहे हैं कि आप गलत कार्यों में संलिप्त हैं, आपका बेटा गलत कार्यों में संलिप्त है, जिसके कारण लोग पुलिस थाने और कोर्ट तक का चक्कर लगा रहे हैं और उस फर्जी सीबीआई जो बनकर कॉल कर रहे हैं उनकी छानबीन करनी शुरू कर दी है। मैं उनसे आपको मिलाना चाहता हूं जो जिन्हें फर्जी सीबीआई बनकर कॉल किया है। हमारे साथ भाजपा नेता है जिन्हें फर्जी सीबीआई ने कॉल किया है और क्या क्या कहा है उनसे जानते हैं। क्या कहा है? कल हम जा रहे थे सरिया लोकसभा चुनाव के राजशुमारी में, लगभग दारू के नज़दीक पहुँचे, एक व्हाट्सएप कॉल आया, बोला मैं सीबीआई अफसर बोल रहा हूँ, आपका बड़ा बेटा का नाम बताइए। मतलब क्यों बताएंगे नाम, तो वो गलत काम में फंसा हुआ है, बात कराइए। बोले मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं समझ गया था फर्जी था। उसके बाद उसने कहा कि मैं अब घर पर आ रहा हूँ, घर पर आओ, गलत किया हो बेटा मेरा जेल जाएगा। उसके बाद कार्य फिर दूसरा एक और सूचना हमको मिली कि अर्जुन यादव जो आरजेडी नेता हैं उनका भी बेटा को धमकी दिया, बेटा उनके सामने था कि आपका बेटा भी गलत काम में पकड़ा है, आप तुरंत मिलिए नहीं तो आपको बर्बाद कर देंगे। तो बोला ठीक है, आपका कस्टडी में, नाम हम क्यों बताएंगे, उनको भी बड़ा बेटा नाम पूछ रहा था कि बेटा नाम क्या है। बोला जब आपका बेटा कस्टडी में है तो फिर आपको हम क्यों बतावें नाम, आप पता कर लीजिए, गोड़ हाथ तोड़िए मारिए। तो फिर रिंग किया उसको दोबारा अर्जुन जी को, अर्जुन यादव जी को। आज हिंदुस्तान में प्रमुखता से छपा है, हम केंद्र के माननीय मंत्री अमित शाह जी से कहेंगे कि तत्काल ऐसे सीबीआई जो आम गरीबों को शोषण कर रहा है, हड़का रहा है, धमका रहा है, उसकी जांच करके उसकी गिरफ्तारी किया जाए, ताकि पुनरावृत्ति नहीं हो और भोले भाले लोगों को ठकने का जो काम कर रहा है। एक उसमें राणा जी की भी ठका है, जिसकी पत्नी मर गई शोक में, वह हिंदुस्तान में छपा है ये समाचार। कल हम थाना प्रभारी ललित बाबू भी सूचना हमने दिया था, फोटो भी भेज दिया था कि ऐसे ऐसे घटना में लगे फंसे नहीं ना, ललित जी मजाक में बोले, हमने फंसे तो नहीं लेकिन फंसाने के चक्कर में था, बड़ा कड़ा स्टेप ले रहा था कि मैं सीबीआई अफसर बोल रहा हूँ, तो हम समझ गए थे कि फर्जी था वो। क्या क्या डिमांड कर रहा था आपसे? हाँ, डिमांड कुछ नहीं, खाली बोला बड़ा बेटा का नाम बताइए, आप गलत अपराधी करता है, गलत काम करता है आपका बेटा, और पांच अपराधी पकड़ा, वो नाम कबूला है। अर्जुन यादव से भी आपकी बातचीत हुई होगी? अभी बातचीत वही अर्जुन यादव से बातचीत हुई मोबाइल पर, दूरभाष पर, अर्जुन यादव वही बात बोला, यही बात हमसे पूछा गया, सेम बात मिलता, फोटो एक ही लगा, उसका भी अलग नंबर से बात किया, हम लोग अलग नंबर से बात किया। गजब का यह चर्चा हजारीबाग में चल रहा है कि ईडी और सीबीआई के सरकारी कर्मियों के अलावा अब फर्जी सीबीआई का भी हजारीबाग में दस्तक देखने को मिल रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ समाचार प्लस से सुबोध कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, हजारीबाग।